पर इन्होंने पीर करम शाह साहब ने भी अपने एक मजमून में एक लफ्ज कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कुछ कलाम सुनते हैं जो ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन जो जर्ब लगाता है कलाम वो सिर्फ उसी शख्स का हो सकता है जो इस तमाम माहौल से गुजरा हो और वो मुस्तगरक हुआ हो वाह 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 इन वाह कैफियत में, वाह तो वो ये कैफियत बयान कर सकता है। वाह वाह। तो हकीकत जिस में तरह आप ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जी ये वो शायर हैं कि जिन्होंने जो गोता लगाकर गवासी करके, गवासी करके गवास जो है गोताखोर, वो वो जब भी डूब कर कहता है जाता है तो कुछ नई चीजें ही लेके आता है, मोती लेकर आता मिरजान है। लेके आता है, वाह 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 कोई मोती वाह लेके आता है, वाह कभी कुछ उसके हाथ लगता है खजीना। तो ये कैफियत हाफिज नसीरुद्दीन साहब की थी, वाह। वो बस सिर्फ शेर लफ्जों की मिस्त्री गिरी नहीं करते थे। वाह 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 वाह। वो एक जज्बात की तर्जुमानी है, जो जो उतरा है वो कहना है। हकीकत की तर्जुमानी। वाह वाह। अब असान साहब, आप माशाल्लाह हाफिज साहब की शख्सियत और उनके उनके अफकार पर, उनकी शायरी पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसकी वजह भी बताइएगा कि हाफिज साहब पर काम करने का ख्याल कैसे आया, शायरी को आपने पढ़ा, उनकी क्या महसूस किया? तस्लीम भाई, मैं अर्ज़ करूँ कि चूँकि शाह साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक है, बचपन से ताल्लुक है, तो ये हमेशा बात हो रही है गालिब की, यार हाफिज साहब का ये शेर, मतलब बात बात किसी में की ना भी बड़े बात शायर हो की रही है बात तो हो तो हाफिज हाफिज साहब साहब के याद ये आए। याद आ जाते हैं। तो बचपन से सुना था, सुनते आ रहे हैं, लेकिन तहरीक फिर ये हुई कि इन्होंने ही मेरे घर गुज़िश्ता दिनों एक नात सुनाई, उसका एक शेर था, वो मुझे असल में उसने मेरे ऊपर जादू जगा दिया और उसने मेरा सारा रुझान जो है वो हाफिज़ साहब की नात गोई की तरफ कर दिया। वो शेर है, करीम ये भी तेरी शान दिल नवाजी है कि हिजर में मेरे जज्बात अश्को आह बने, हाय 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 वाह तो अश्को आह पे खुदा का शुक्र किसी दूसरे नात गो शायर ने अदा इस तरह नहीं किया जिस तरह हाफिज़ साहब ने किया। लेकिन मैंने जो हाफिज़ साहब की नात गोई में सबसे ज़्यादा बुनियादी, फिर मैंने उसको उनको चारे मजमूए देखे नात के खुसूसन, तो मैं इस नतीजे पे जो पहुंचा हूँ, मेरे नज़दीक उन्होंने हिजाजी तहजीब अपने फ़न में मुंतकिल की ठीक। और सारा कुछ उस तहजीब से हासिल किया, बल्कि वो खुद कहते हैं कि मेरी नवा को गर्मीए दश्ते अरब मिली, हाय सोजे हिजाज लहने अजम तक पहुंच गया। हाय हाय वाह क्या वाह बात है। वाह तो और वाह। उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। सही। फिर उनकी नात गोई में उन्होंने जो कमाल है, ज्यादा खूबसूरत बात है, वो ये है कि उन्होंने तमाम गजल गो शोरा का बहुत बखूबी मुताला किया, जी हाँ, असातजा खुद का, गजल फिर भी कही। खुद जी हाँ, गजल भी कही, यानी मीर से शुरू होके और उनके दौर तक के तमाम गजल गो को उन्होंने बड़ी खूबसूरती और नया दिलचस्पी से देखा, ठीक। गजल का तो मजमूआ नूर और नार है। जी हाँ जी उनको हाँ नज्मों से पहले का। जी हाँ तो उन्होंने फिर गजल की तहजीब अपने नात के फन में मुंतकिल की और नात के फन में इस तरह मुंतकिल की कि गजल पीछे रह गई और नात अलग हो गई। मेरे वाह मेरे मुताबिक गजल बावजू और मुसलमान हो गई। वाह। नहीं, मैं यही सवाल भी मैं यही चाह रहा था अगला करना। हम अक्सर अपने इस प्रोग्राम में खुशबू एहसान में कि जिसके हम तगज्जुल और उसकी रानाई और उसकी जाज़बियत को महसूस करते हैं, तो ये उस चीज़ का मजहर लगती है, उस चीज़ की अक्कासी करती हुई दिखती है कि जहाँ जिस शायर की गजल की तरबियत होती है, वो जब नात कहता है तो वो बहुत जाज़बियत के साथ कहता है, उसके यहाँ बड़ी एक रानाई, और एक एहतियात भी होती है। एहतियात भी और बड़ी खूबसूरती, वो मिसरा उस खींचता है अपनी तरफ। तो गजल की तरबियत ने बहुत फायदा दिया, एक तो ये इसका जवाब, बहुत दूसरा अरबी और फारसी पर चूंकि इनको दस्तरस थी, बहुत दस्तरस उसने क्या फायदा दिया? उसने ये फायदा दिया कि देखिए, मैं 5-7 साल की उम्र से मैं एक चार मिसरे मुझे वाले साहब ने याद करवाए हुए थे, वो या तो उर्फी के हैं या जामी रहमतुल्लाह ताला। ठीक है। सरत गर्दमे कासिदे खुश खिरामे के दर कुए यारम रसां यक पयामे, के ऐ शाह खूबाने आली मकामे नजर कुन गहे जानबे ही गुलामे। वाह 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 सुभान वाह वाह। अल्लाह। अब जब मैंने मुताला किया हाफिज साहब का,
तो 20 शेर लिखे हुए हैं इस जमीन में। वाह वाह। और हर जो ततब्बो में उन्होंने हर मिसरा कहा है उसकी बुन्नत उन्होंने ऐसे कर दी है कि वो लगता नहीं कि कुदमा में से किसी का शेर है, लगता है हाफिज साहब का शेर है। वाह वाह वाह। ये इन्हीं ने इब्तदा की है। वाह। ये उनमें एक बहुत बड़ी खासियत है। ठीक ठीक। कुदमा ने जो कहे हुए हैं उसमें भी एक नुदरत, उसमें भी नुदरत पैदा की और नयापन पैदा की। ठीक ठीक। मजीद गुफ्तगू करते हैं नाजीन, आइए एक कलाम और समाप्त करते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जैयद सैयद ज़बीह मसूद, जो ये शरफ हासिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। जब अज़ल में